बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 3। दिस इज आवर यूनिट नंबर 3। इट इज अबाउट फ्रैक्शंस एंड आवर लेसन नंबर 13। इन दिस लेसन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3F। तो टीचर्स, अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। आप लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3F क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। आपने करना क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको गौर से पढ़ें कि लिखा क्या है। एंड देन अब यहां पर क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग फ्रैक्शन स्ट्रिप्स। फ्रैक्शन स्ट्रिप्स कौन सी है, जो कि आपको मैंने प्रीवियस लेसन में बताई थी कि आपने फ्रैक्शन स्ट्रिप्स को यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन करनी है। अब यहां पर कंडीशन ये है कि आपने फ्रैक्शन स्ट्रिप्स ही यूज करनी है। अगर कंडीशन नहीं लगी होती, सिर्फ आपने क्या करना था, इनके बिटवीन ऑपरेटर को देखना था कि ऑपरेटर कौन सा है। ऑपरेटर यहां पर सब्ट्रैक्शन है और फिर आपने इनको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देना था। यहां पर क्या करना है, फ्रैक्शन स्ट्रिप्स यूज करनी है। कैसे, आपने 9 जो बॉक्सेस बनाए, स्ट्रिप के पार्ट्स बना लें इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन ये अब 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपके पास एक स्ट्रिप बन गई जिसके टोटल आपके पास 9 पार्ट्स हैं। इसमें से आपने करना क्या है कि जो ग्रेटर फ्रैक्शन है, ग्रेटर फ्रैक्शन 2/9 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 1/9 को। 2/9 का मतलब है 2 पार्ट्स जो हैं वो इसके शेडेड हैं। तो दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये वाली फ्रैक्शन बन जाएगी और उसमें एक स्ट्रिप है और उसके भी 9 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यहां पर 10 बन गया, आपने 10 भी बनाने, 9 बनाने। सो और इसके बाद आपने इस किस तरह रिप्रेजेंट करेगी 1/9 को, ये 1/9 हो गया। और उसके बाद आपने इस स्ट्रिप को यूज करते हुए ये वाली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है। अब जो 1/9 पार्ट है तो उसमें से इसको आपने क्रॉस कर दी तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/9 अगेन बच जाएगा जो रिजल्ट में आप राइट करेंगे। तो यहां पर क्या बन गया, 1/9। इसी तरह आपने ये स्ट्रिप्स जो है वो बनानी है हर पार्ट में और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे, क्योंकि ये 1/9 है और ये 2/9 है, इसमें से जब आपने ये वाली स्ट्रिप सब्ट्रैक्ट करनी है तो ऊपर वाली में से ये जो 1 वाला शेडेड पार्ट है इसको क्रॉस कर दें तो आपके पास अगेन 1/9 बच जाएगा जो कि रिजल्ट है। सो सिमिलरली पार्ट 2 और 3 पार्ट आपने खुद करना है। अब आ जाए क्वेश्चन 2 की तरफ। इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़े क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग विद आउट। यहां पर इंस्ट्रक्शन है विद आउट यूजिंग फ्रैक्शन स्ट्रिप्स। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपने जस्ट इनके डिनोमिनेटर्स को देखना है, हर जो गिवन फ्रैक्शन है उनको देखें और उसके दरमियान जो डिनोमिनेटर हैं किस दोनों फ्रैक्शन के वो अगर सेम है तो फिर हम लोगों ने न्यूमिरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर देखिए पार्ट 1 में इसका ये 9/12 है और ये 3/12 है, इनको जब न्यूमिरेटर जो है इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपके पास क्या फ्रैक्शन बनेगी, 9 - 3/12 दिस इज इक्वल टू 6/12। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन में अगर 2 गिवन फ्रैक्शन है उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है बट वो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो फिर आपने करना क्या है कि उनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम कर देना है, यानी कि आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जैसा कि मैंने बताया हुआ है और कन्वर्ट करने के बाद फिर सब्ट्रैक्शन करनी है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को जो मैंने मेथोडोलॉजी आपको बताई है वही यूज करें,
कि आपने 4 स्टेप्स यूज करने हैं, रीड, प्लान, देन सॉल्व एंड देन चेक योर सॉल्यूशन। तो इन स्टेप्स को फॉलो करें और हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और अगेन एंड अगेन आपने उस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है जहां तक कि आपको समझ नहीं आ जाती, और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसके गिवन फैक्ट्स राइट करने हैं, फिर आपने देखना है कि रिक्वायर्ड फैक्ट्स कौन से हैं और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहां पर देखें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है, ये है, स्मॉलर क्या है, ये है। अब स्टेटमेंट पढ़े के स्टेटमेंट में करना क्या है, हुमेरा एट 1/6 ऑफ अ पिज्जा एंड फायदा एट 5/6 ऑफ अ सिमिलर पिज्जा। एक पिज्जा है उसके 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से जो हुमेरा है उसने 1/6 पार्ट जो है वो पिज्जा का खा लिया है, जबकि फायदा ने 5/6 पार्ट जो है पिज्जा का वो खाया है। Who ate more and how much more pizza? Means के अब यहां पर, यहां तक तो आपके पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का जिसमें आपके गिवन फैक्ट्स थे। अब अगला जो पार्ट है वो रिक्वायर्ड वाला पार्ट है जिसमें आपने चीजें फाइंड करनी है। फाइंड क्या क्या करनी है, पिज्जा किसने ज्यादा खाया, जब आपने ये चीज फाइंड करनी है कि पिज्जा किसने ज्यादा खाया, उस वक्त हम दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करते वक्त भी आपने देखना है कि फ्रैक्शंस लाइक हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो फिर हम लोग न्यूमिरेटर को कंपेयर करते हैं, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होती है। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, जो चीज रिक्वायर्ड है, हाउ मच मोर, कितना ज्यादा खाया, कितना ज्यादा खाया। कि यहां पर 2 क्वेश्चन हैं जिसका आपने आंसर देना है। जब आपने इस फ्रैक्शन को और इसको कंपेयर किया तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सेम है, तो हम लोगों ने देखना है कि न्यूमिरेटर किसका ग्रेटर है। ये 5 वाला ग्रेटर है, जब 5 वाला ग्रेटर है सो इसका मतलब है फायदा जो है उसने ज्यादा पिज्जा खाया, और हुमेरा है उसने कम खाया, और कितना ज्यादा खाया उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ग्रेटर फ्रैक्शन में से हम लोग स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास 1/6 दैट इज इक्वल टू 4/6, ये फ्रैक्शन आपके पास बन जाती है। सो दिस इज द रिजल्ट, और फायदा ने 4/6 पार्ट ऑफ पिज्जा जो है वो ज्यादा खाया। इसी तरह आपने इस एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सॉल्यूशन के साथ टैली करें, और फिर अपना रिजल्ट्स जो है, अपना सॉल्यूशन टीचर को सबमिट करवा दें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान, सॉल्यूशन मैनुअल ऑफ एक्सरसाइज 3F and PowerPoint presentations are available. So students, thank you very much. I hope कि आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह आपने इस exercise को solve करना है. Inshallah, we'll see in our next lesson. Allah Hafiz.